हेलो गाइस, फिर से वापस आ गए हम। आज का दिन बहुत खास है। आज से ही, मतलब कि आज से ही कल का दिन बहुत खास है। आज का तारीख 15 है, लेकिन कल बहुत स्पेशल है ना। तो सुबह उठने से पहले इसको यादगार बनाने के लिए थोड़ा वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। थंबनेल देख के तो आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि क्या देखने वाला है इस वीडियो में। अवतार 2 रिलीज होने वाला है कल। 13 साल के बाद फिर से चाइल्डहुड मेमोरी ताज़ा होने वाला है। अभी रात का करीब करीब 7 बजा है, और ऊपर से देखिए अपना सामान भी बिखरा हुआ है। गोप्रो भी चार्ज करना है। अभी ये गोप्रो से ही शूट कर रहा हूँ, लेकिन चार्ज पे लगा के रखूँगा, और कल के लिए भी शूट करना है ना, वीडियो लेना है। तो कल मिलते हैं सुबह। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। अभी अभी उठे हैं, तो अभी बजा है करीब करीब सुबह के 10 बजे। हाँ, मानता हूँ थोड़ा लेट उठा, लेकिन अभी अभी पता चला भाई ने कॉल किया, सारे टिकटें बुक हो गई हैं। लेकिन अपना भाई सेवियर है, शाम का टिकट ऑलरेडी ले लिया है। सुबह का तो हम लोग को देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि ऑलरेडी फुल हो चुका है। और परसों रात को मैंने चेक किया था ऑनलाइन में, 9 बजे का ऑलरेडी लॉक था, लेकिन आज सुबह को ही खोला और सुबह को ही फुल। देख रहे हो क्रेज़ कितना है इस मूवी को लेके। कोई कोई का तो इमोशन जुड़ा है, अपना भी है 13 साल का। तो मिलते हैं शाम को। शाम को मिलने से पहले थोड़ा सुबह का नज़ारा भी दिखा देते हैं आप लोगों को। जैसे ये चेक करें, अरे अपना पेंट सुखाया है इधर, ये रहा कुछ ऐसा है ऊपर से। और हाँ, अभी के लिए इतना ही, शाम को मिलते हैं। वैसे फ्रेश भी हो लेते हैं, अभी अभी उठाऊँ तो मुँह भी नहीं धोया है। तो मिलते हैं शाम को। लो जी, शाम हो चुका है। अभी बचा है करीब करीब शाम का 6 बजे, और हम लोग का रात का टाइमिंग है 8:25 या 8:30 ऐसा में स्टार्ट होगा। लेकिन हम लोग एडवांस जाने वाले हैं, तो पहले भाई के घर जाएंगे क्योंकि टिकट भी उसने ही काटा है। तो जाके पिकअप करेंगे, वहाँ से ही एक साथ जाएंगे। तो मिलते हैं मोटो ब्लॉगिंग के साथ। बहुत ठंड है गाइस, अभी शिलांग में कितना डिग्री चल रहा है पता नहीं। लो जी, बाहर आ गए हम। कल क्या हुआ था, जैसा कि आप लोगों को पता है, कल ऑनलाइन में ही हम लोग बुक करने वाले थे। लेकिन क्या हो गया सीन, 9 बजे का, मतलब कि सुबह का ऑलरेडी लॉक था, मतलब कि वो ओपन ही नहीं कर सकता था। तो उसकी वजह से सुबह का बुक नहीं कर पाए। और ऊपर से 12 से लेकर तो हम लोगों का काम भी है, तो टाइम नहीं होगा। उसके वजह से मॉर्निंग का, नून का हम लोगों ने नहीं काटा टिकट। तो एक भाई ने बोला कि रात का टाइम है वहाँ पर अवेलेबल है, और ऊपर से ऑलमोस्ट ख़त्म ही होने वाला है क्योंकि बहुत क्रेज़ है ना इस मूवी का। ऑलरेडी 13 ईयर्स हो चुका है, तो ऑब्वियसली क्रेज़ तो बनता ही है। और बहुत सारे लोगों का तो चाइल्डहुड मेमोरीज भी है, पार्ट 1 देख लिया है, और इतना 13 साल के बाद अभी फिर से पार्ट 2 हो रहा है, तो फिर ऑब्वियसली देखना तो बनता है। तो सोल्ड होने से पहले भाई ने रात का टिकट कटवा लिया कल ही रात को, तो आज जा रहे हैं हम लोग देखने। इधर साइड में भी इतना सुंदर सुंदर है रात का नज़ारा, सोचो पीपी में और कितना सुंदर होगा रात के टाइम में। सुबह के टाइम तो आप लोगों ने देख ही लिया होगा बार बार इस रास्ते को, अभी रात का मज़ा लीजिए। रात के टाइम में कैसा है, धीरे धीरे करके छाएंगे। ओहो, धुआं क्यों मार रहे हो चाचा, वाह। और हाँ, वैसे एक बात बताना था आप लोगों को, मैं फ़िलहाल अपने घर नहीं जा रहा हूँ, मतलब कि होम टाउन नहीं जा रहा हूँ, त्रिपुरा है अपना घर, क्योंकि काम है ना, तो उसके वजह से दिस ईयर पॉसिबल नहीं है घर जाना। देखते हैं नेक्स्ट ईयर पॉसिबल हो पाए तो जाएंगे,
आप लोगों को दिखाएंगे कैसा है अपना त्रिपुरा कंचनपुर। भाई पेट्रोल ले रहा है, फिलहाल हम तो नहीं ले रहे हैं, हम उधर साइड वेट करते हैं। चलो पेट्रोल ले लिया है भाई ने, अभी चलते हैं। रात के छाई में चलाना ही एकदम अलग अलग ही मजा है गाइस, अलग। सुबह में तो देख ही लिया होगा ये रास्ता भी। अभी हम एटमन पहुंच चुके हैं, क्रिसमस का टाइम है, सब जगह लाइट ही लाइट है। जिंगल बेल जिंगल बेल जिंगल बेल। अरे 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 अरे, इतना दूर तो चले आए, अभी पहुंचने से पहले इधर जाम हो चुका है। कोई बात नहीं, थोड़ी देर रुक जाएंगे, इतना ही आ चुके हैं, अभी थोड़ा बाकी है। अबे अभी और किसको आना है, जल्दी आ जाओ जल्दी आ जाओ। तू भी आ तू भी आ, अपनी लाइन आ गई रे बाबा। अरे बाप रे बाप, सब लोग अवतार देखने के लिए आ गए ना क्या? जाम ही जाम है रे बाबा, ऊपर देख लीजिए कितना जाम है रे बाबा, ऊपर सब जगह जाम ही जाम है। इधर भी देखिए। चलो स्टार्ट हो चुका है, अभी हम कुछ छाने तो। अभी फिर से अटक गए रे बाबा, पूरा जाम है। अभी कहाँ से चले, इधर से चलने की कोशिश करते हैं ऑफ रोड। अरे अपना टिकट छूटने वाला है रे, और 20 मिनट बचा है। अरे बाप रे बाप, कैसे कैसे जाना पड़ रहा है रे। चलो चलो, डर के आगे जीत है, आई मीन मुश्किल के आगे जीत है। अरे बाप रे, अरे अरे अरे, बचा ले बचा ले भगवान, बचा ले अपने बच्चे को, बचा ले रे बाबा बचा ले। ए भाई कहाँ जाना है अभी? अरे बाप रे, क्या क्या करना पड़ रहा है ये मूवी देखने के लिए रे बाबा। चलो अभी थोड़ा रास्ता खाली है, अरे अपने को मिस नहीं करना है रे, इमोशन जुड़ा हुआ है ये, अरे अपने को मिस नहीं करना है रे बाबा। चलो चलो, दिल धक धक कर रहा है अभी से। इधर फिर से जाम, अरे बाबा नहीं चाहिए रे ऐसा जाम, आज सारे हदें पार कर देंगे हम भाई। फाइनली अंदर आ चुके हैं, लेट होगा कि पता नहीं। अरे चलो चलो, आ चुके हैं अभी इधर। ये रहा हम तीन भाई लोग, ये रहा पोस्टर, हम सोचा लेट होने वाले हैं, फिलहाल फोटो वोटो लेके पोस्ट करने के बाद अंदर चलते हैं, और देखने के बाद आप लोग को बताते हैं कैसा है पब्लिक रिएक्शन। फिलहाल अभी चलते हैं, फोटो होने वाला है, फोटो के बाद चलते हैं। फिलहाल अभी अंदर आ चुके हैं, तो देखिए यहाँ पर टिकट काउंटर है, टिकट टिकट पहले ले लेते हैं। टिकट लेने के बाद वहाँ में जाना पड़ेगा, ये देखिए वहाँ में टिकट लेके चल के आप लोगों को दिखाते हैं। थैंक यू। मनी देखो थ्री से थ्री 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 भाई माने जी मैंने करा वो क्लोन डुलो से इंटरवल हम। फिलहाल खत्म होके बाहर आ चुके हैं, ये देखिए कुछ ऐसा है पार्किंग एरिया। वाह क्या मूवी है भाई, मोटो ब्लॉगिंग में आप लोगों के साथ बात करेंगे कैसा है रिव्यू वो भी बताएंगे। चलिए अभी फिलहाल अपना बाइक ले लेते हैं। इधर आ चुके हैं, अभी बाइक को निकाल लेते हैं, निकल चुका है।
इतना अच्छा मूवी है, पार्ट वन से भी डबल पैसा वसूल, पूरा का पूरा पैसा वसूल। ओ भाई ये मूवी तो 5-6 बार तो बहुत बार देख सकता हूँ, आप लोग को एक बार तो आके देखना बनता है ऐसा मूवी। आप खुद आके फैमिली के साथ देखें, फैमिली के साथ होंगे तो आप लोग को और भी मज़ा आएगा, मज़ा x100 कर देगा। वाह। और हाँ, इस मूवी की सबसे बड़ी खासियत मुझे क्या लगी मालूम, फैमिली मैटर्स। जितना बुरा प्रॉब्लम कुछ भी आ जाए, एट द एंड फैमिली ही सब कुछ है, तो यही सीखने को मिलता है। दिल को छू लेने वाली मूवी है ये, इमोशंस जुड़ा है, थ्रिलर जुड़ा है, ओवरऑल पूरा परफेक्ट है, डबल परफेक्ट। रात के नज़ारा कुछ ऐसा है, अभी ऑलमोस्ट 11 बज चुका है, तो उसकी वजह से रोड खाली ही खाली है। यही है आज की ब्लॉग, उम्मीद है आप लोगों को ये ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। अगर इस चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर दो यार। जल्द ही मिलते हैं ऐसे दूसरे नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।